तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाश पांडे सपना में। आज यूनिट नंबर चार इलेक्टिव केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए यूनिट नंबर चार और बुक है नवबोध की यूनिफाइड दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। तो यूनिट नंबर चार आज हम इस क्लास में केवल यूनिट नंबर चार के इकाई चार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग इस पूरे यूनिट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। यूनिट का नाम है दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के महत्वपूर्ण रासायनिक संघटकों की सामान्य जानकारी। ठीक है, तो देखिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस मल्टीपल क्वेश्चन की क्लास को। यूनिट नंबर चार इलेक्टिव केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, देखिए पहला दिया हुआ है। हाँ, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो आप लोग अपने मन में एक बार आंसर गेस करिएगा कि क्या होगा, बाकी मैं राइट आंसर बताऊँगा ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है ए नंबर, चीनी का अणुसूत्र होता है। तो चीनी का अणुसूत्र क्या होता है आप लोग थोड़ा सा सोचिए, फिर गेस करिए दिमाग में और मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है, तब तक तो देखिए अब मैं बोलता हूँ, चीनी का अणुसूत्र होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, C12H22O11। ठीक है, फिर नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम फ्लूओराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का डी नंबर, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उनके साधारण जो नमक है उसका नाम क्या है, NaCl। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। फिर बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaCl, NaOH, NaHCO3। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, तो देखिए तीसरा आप लोग अपना आकलन करते चलिएगा। फिर चौथा है बेकिंग पाउडर मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर व नमक, बेकिंग पाउडर व शक्कर, बेकिंग सोडा व आइसक्रीम ऑफ टार्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर, बेकिंग सोडा व क्रीम ऑफ टार्टर। ठीक है, फिर पांचवा देखेंगे, एल्कोहलिक पेय का मुख्य पदार्थ है एथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, एसीटोन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आ नंबर, एथिल एल्कोहल। ठीक है, फिर छठवां देखेंगे, पौधे के किस भाग से चाय बनती है, तो जड़ से, तना से, पत्ते से, फूल से। तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पत्तियों से चाय बनती, जो चाय पत्ती घरों में यूज की जाती है वह चपत्ती से बनती है। ठीक है, पौधे की। फिर सातवां, नेल पॉलिश रिमूवर का रासायनिक नाम है एथेनॉल, एसीटोन, एथेन, मेथेन। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एसीटोन, जिससे नाखून पॉलिश छुटाई जाती। ठीक है, फिर आठवां देखेंगे, सोडा पेय में कौन सी गैस घुली होती है, जो लोग सोडा पीते हैं तो उसमें कौन सी गैस घुली होती है। तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा O2, CO2, CS4 या N2। तो आठवें का राइट आंसर बी नंबर, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। अब नौवां, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन होता है कैफीन, निकोटीन, कैटेचिन, करक्यूमिन, इसे बोला जाता है हल्दी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन होता है बी नंबर, निकोटीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे,
विषैली शराब में क्या होता है? विषैली शराब में होता है एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, इनमें से कोई नहीं। तो दसवें का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेथेनॉल। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करिए, उसमें व्हाट्सएप नंबर और भी सोशल मीडिया की लिंक होती हैं। और यह इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री थी यूनिट नंबर 4। इसी प्रकार हमारे इसी चैनल में आप लोग जाएंगे प्ले लिस्ट में बहुत सारी लिस्ट बनी हुई हैं, जैसे फाउंडेशन क्लास में क्या क्या बनी हुई है, योग एवं ध्यान की जिसे बोला जाता है योग एंड मेडिटेशन, फिर पर्यावरण की जिसे बोला जाता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और भी बहुत सारी प्ले लिस्ट बनी हुई हैं। आप लोग जाइए चेक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।